बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं बना रही हूँ फ्राइड चिकन है, उसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन लिया और इसके ऐसे क्यूब्स काट लिए। ये थोड़े आपने लंबाई में काटने हैं और थोड़े मोटे रखने हैं। तो इसका पानी अच्छे से जो है ना वो मैं निकाल लूँगी, इसको ड्राई कर लेना, क्योंकि ज़्यादा हमने फ्राई करना है तो फिर ऊपर कोटिंग करें तो अंदर से ज़्यादा वो जो है ना ड्राई हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े मोटे पीस ही रखने हैं। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी और इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखूंगी। इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड की है और 1 टीस्पून जो है ना वो जिंजर पेस्ट। तो अब इसमें जो है ना वो अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो उसके लिए मैंने जो है ना वो सॉल्ट जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। तो अब जो है ना 1.5 टीस्पून जो है वो मैं रेड चिली ऐड की है। सारे स्पाइसेस जो है ना वो मैं 1/2 टीस्पून ही ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैरिनेट अच्छे से हो जाए और ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने वाइट पेपर ऐड किया है। और 2 टेबल स्पून जो है वो आपने सिरका ऐड करना है और 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करना है, क्योंकि अंदर से हमने मैरिनेट करना है, अंदर से भी थोड़ा जूसी और स्पाइसी हो, इसलिए मैं ये जो है ना ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्पाइसी जो है आप अपने चिकन के हिसाब से या ज़्यादा काट सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने इमली का जो सॉस है वो ऐड किया। आप इमली का पल्प जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस ऐड कर ले। और 1 टेबल स्पून जो है वो केचप ऐड किया। तो अब जो है ना इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऑरिगानो ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो ऑरिगानो ऐड कर काट लिया मैंने। तो अब जो है वो मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। एक लेमन का जूस मैंने ऐड किया था, आप लेमन का जूस ऐड कर ले या इमली का पेस्ट की जगह भी आप जो है ना 2 लेमन का जूस फिर ऐड करना, 2 लेमन का जो जूस होगा ना वो ऐड करना। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई स्पाइसेस आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही यमी बनता है, क्योंकि मैंने सारे स्पाइसेस 1/2 टीस्पून ऐड किया ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा और स्पाइसेस भी इतना नहीं होगा, जूसी होगा अंदर से। तब इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे कि सारे चिकन पे जो है ना ये सारे जो है ना स्पाइसेस लग जाए जो भी हमने ऐड किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और फिर और बाद में जब हमने इसको बनाना है, उससे पहले मैंने इसमें एक जो है वो अंडा ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से जो है ना चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट के वक्त मैंने इसमें जो है ना वो एग नहीं था किया। अब इसमें जो है ना 1/2 कप जो है मैंने मैदा ऐड किया है और 1/2 कप ही जो है मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। हम अलग से जो है इसकी कोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ही जो है ना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ये इजी है। आप सब कुछ इसमें मिक्स करके तो इसको फ्राई कर लें। तो अब इनको अच्छे से जो है ना मिक्स करूँगी कि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। ये वैसे ही क्रिस्पी बनेगा जैसे हम अलग से कोटिंग करके बनाते हैं मैदे की, और फिर इस जैसे मैंने पहले आपको बताया था वैसे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये इजी है और जल्दी से बन जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें इसमें ऐड करके ना तो बहुत टेस्टी ये बनता है। तब इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि सारी कोटिंग जो है ना इसके चिकन के ऊपर लग जाए। तो उसके ऑयल भी मैंने जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया। तो अब अच्छे से जो है ना इसे मैं मिक्स कर लूँगी, और हैंड के बगैर जो है ना वो काम नहीं होते हैं, तो इसलिए आपने ना हैंड के साथ अच्छे से मिक्स करना कि इसके ऊपर सारी को ये जो ना सारा बैटर हमारा जो बना है जो सारे है ना वो लग जाए। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, तो अब ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें जो है ना इसको ऐड कर दूँगी। अब एक जो है ना सलाई लेके तो इसमें मैं जो है ना वैसे ऐड करूँगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है, तो बोनलेस ही हमने इसको मैरिनेट भी किया था और बहुत सॉफ्ट ये हो गया, तो इसको जो है ना मैं मीडियम पर जो है फ्राई करूँगी। तो हम इस तरह सारे जो है ना इसमें ऐड कर लेते हैं जितने इसमें आएँगे ऑयल में, ऐसे डाल के जो है ना आप इसको फ्राई कर ले।
जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ऐसे आपने फोक लेके ना तो सबको अलग कर लेना, अगर कोई साथ लग गया तो, क्योंकि अगर आप चम्मच से करेंगे तो उसकी कोटिंग उतर जाएगी, तो फोक से हल्के हाथ से जो है ना आपने इसको अलग कर लेना सबको। तो ये देखिए हमारे जो है ना कितने अच्छे से चिकन हमारा फ्राई हो गया, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये बहुत यमी बनता है, आप बच्चों को ज़रूर बना के दे, बहुत ही टेस्टी बनता है और जूसी भी होता है ये। अब इसके लिए मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ जो इसके साथ मैं दूंगी। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज ली है, और 1 टेबल स्पून ही आपने इमली का पेस्ट लेना है, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने केचप लेना है। ये सॉस जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये सॉस आप ज़रूर ट्राई करना, ये किसी भी चीज़ के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया, और थोड़ा सा तिक्का मसाला, इन चीज़ों को ऐड करके तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, तो ये हमारी डीप एक सॉस रेडी हो जाएगी। तो ऐसे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हम सॉस जो है ना वहाँ पर चिप्स के साथ भी, चिकन के साथ, किसी के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे चिकन कितना अच्छा लग रहा है, कितना यमी लग रहा है, तो ये बहुत ही यमी बनता है, और ऑयल बिल्कुल भी इसमें नहीं है, बिल्कुल ड्राई बनता है ये। तो अब मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ, ये देखें, ये देखें कितना जूसी है और क्रिस्पी भी है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी भी है, और चिकन भी है इसमें। अगर हम ज़्यादा पतले फ्लेक काटें तो फिर अंदर से जब हम फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और सूख जाते हैं, जो बाज़ार से अक्सर लाते हैं तो ऐसे होते हैं। लेकिन ये देखें अंदर से चिकन नज़र आ रहा है, और फिर बच्चे ऐसा पसंद करते हैं कि अंदर से जो वाइट वाइट और सॉफ्ट हो तो बच्चों को पसंद आता है। ये देखिए ये सॉस के लिए मैंने जो है ना एक बच्चों के लिए क्यूट सा जो है ना वो लिया था, ये टॉय है उसका कप है, तो मैंने कहा चलो ये बच्चों खुश हो जाएंगे इसमें उनको डाल के देती हूँ। तो बहुत ही यमा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, हम सबको तो बहुत पसंद आया था। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को भी बना के देना, बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।